हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो कल ईओ ईओ और एपीएफसी का एडमिट कार्ड जारी हो चुका है और 2 जुलाई को आपको मालूम है दोनों ही एग्जामिनेशन एक ही दिन होने हैं। तो अब आपको फटाफट से रिवीजन करना है, जो भी नोट्स बनाए होंगे उन नोट्स को आप पढ़ना स्टार्ट करिए। कुछ डिटेल में पढ़ने की कोशिश मत करिएगा वरना बहुत कुछ छूट जाएगा। तो इसीलिए हमने जो नोट्स प्रोवाइड किया हुआ है अपने ग्रुप में पीडीएफ, वो एकदम शॉर्ट नोट्स है। उसमें आप सारे ही सब्जेक्ट को बहुत कम समय में रिवाइज कर सकते हैं। उसमें कुछ भी डिटेल नहीं है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है बस उस पर वही चीज़ दिया हुआ है। तो आप चाहें तो 9792568848 पे आप उसको परचेस कर सकते हैं। एक बिल्कुल शॉर्ट नोट्स है, उसको आप अगर ले लेते हैं तो आप बहुत कम समय में चीज़ें जो हैं बहुत आसानी से रिवाइज कर पाएंगे। इसके अलावा हम क्वेश्चन आंसर सीरीज जो चला रहे हैं, जो अभी क्वेश्चन आंसर को प्रैक्टिस करना चाहते हैं वो क्वेश्चन आंसर सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, उसको अलग से आप परचेस कर सकते हैं। और साथ ही साथ उसमें एक मॉक टेस्ट भी डेली दिया जा रहा है उस क्वेश्चन आंसर सीरीज में। क्वेश्चन आंसर सीरीज के माध्यम से एक चीज़ तो आपकी सारी चीज़ें रिवाइज हो जा रही है, प्रैक्टिस हो जा रही है क्वेश्चन आंसर सारे ही सब्जेक्ट का, चाहे वो हिस्ट्री वाला इनर स्ट्रगल वाला टॉपिक हो, चाहे वो आपके साइंस का टॉपिक हो, वो चाहे आपके इकोनॉमिक्स का टॉपिक हो, वो सारे क्वेश्चन आंसर दिए जा रहे हैं। एक तो वो चीज़ें आपकी रिवाइज हो जाएगी, दूसरी चीज़ की जो क्वेश्चन आपके अभी तक तैयार नहीं किया हो वो क्वेश्चन वहाँ पर आपके तैयार हो जाने वाले हैं, ठीक है। और एक मॉक टेस्ट अगर डेली देंगे तो आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी खासी बनी रहेगी, कॉन्फिडेंट लेवल हाई रहेगा और चीज़ें जो है पैटर्न के हिसाब से आपको बहुत आसानी से चीज़ें हो जाएंगी। तो अगर आपको पीडीएफ लेना है कम समय में, अगर नोट्स पढ़नी है आपको, तो उसके लिए आप नोट्स परचेस कर सकते हैं। और अगर आपको डेली डेली क्वेश्चन आंसर सीरीज को सॉल्व करना है और साथ ही साथ एक मॉक टेस्ट देना है, तो उसके लिए अलग से चीज़ें हैं, वो आप उसको ले सकते हैं। और पढ़िए, क्योंकि समय बहुत कम है, समय को यूटिलाइज़ करिए और समय ज़ाहिर कम करिए क्योंकि वक्त बहुत कम है। और आपको मालूम है कि ये परीक्षा अब नेक्स्ट कब होने वाला है ये किसी को नहीं मालूम है, इसलिए जो है अभी कर जानी है। तो कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें गेन करने की कोशिश करिए और साथ ही साथ बहुत डिटेल में जाने का और कुछ नया ट्राई करने का बिल्कुल भी कोशिश मत करिए। जो पढ़ा है अगर नोट्स बनाया है बहुत अच्छा है, नोट्स के माध्यम सारी चीज़ें पढ़िए। अगर नोट्स नहीं बनाया है तो हमने जो पीडीएफ बनाया हुआ है उसका फ़ायदा आप ले लीजिए, उससे आपको सारी चीज़ें करा दी जाएगी और आपको पता नहीं चलेगा बहुत कम समय में। और हाँ, एक चीज़ और, अभी तक रीजनिंग और मैथ्स के जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने आपको नहीं दिया हुआ वो हम अब देंगे। अब क्या होगा कि रीजनिंग और मैथ्स के जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट वो सारे आपको एक नोट्स दिया जाएगा उसका, उतनी चीज़ आप पढ़ लेंगे ना तो उससे रिलेटेड क्वेश्चनों को बहुत आसानी सॉल्व कर पाएंगे। और वो सारे ही टॉपिक है जो आपके सिलेबस में है, लेकिन क्वेश्चन आंसर वो आपको उसमें बहुत कम सारी चीज़ें दी हुई हैं ताकि उससे ही रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। तो ये बहुत अच्छा चीज़ है, वो आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ वहाँ पे कर सकते हैं। और जो समय है वो कम ही है और इसमें आपको बहुत ज़्यादा करने की आवश्यकता है और बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है। सुपर स्टफ लग, और खूब मेहनत करिए और ज्वाइन करिए सारी चीज़ों को अगर आपने नहीं किया है। लेकिन हाँ, अगर आपने नोट बनाया है तो आप उस नोट से पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन आंसर सीरीज को ज्वाइन कर लीजिएगा और मॉक टेस्ट एक ज़रूर से आपको डेली डेली, अब तो आपको 2 से 3 मॉक टेस्ट डेली डेली देना चाहिए, तब जाके कुछ काम हो पाएगा। डरने की आवश्यकता नहीं है। ईओ ईओ में जो है उस पर आप देखे ही होंगे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाँ, थोड़ी एपीएफसी में अब वो लेवल थोड़ा हाई रहता है, तो आपने बस नोट्स पढ़नी है और बस आपका हो जाएगा। और